इधर उप करेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का, जहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गर्वो नवा छत्तीसगढ़ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। उन लोगों को राशि चाहे उपलब्ध कराए, बाद में दे चाहे तत्काल दे, लेकिन इस मामले में भारत सरकार को फैसला करना चाहिए। अंशुमन पूछे अपना सवाल। जी मुख्यमंत्री नमस्कार, मैं अंशुमन बोल रहा हूँ इकोनॉमिक टाइम्स से। पहला सवाल मेरा था, उसी ने मैं पूछना चाह रहा हूँ कि एक तरह से ये जो तो लड़ाई है ग्राउंड लेवल पे स्टेट भी लड़ रहा है, स्टेट ही रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन और मोबिलाइजेशन भी कर रहा है और सेंटर यहाँ से मॉनिटरिंग कर रहा है। कई सारे राज्यों में उन लोगों ने अपनी एक अलग टास्क फोर्स बनाई है कि ये जब लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद की जो आर्थिक परिस्थिति होगी उससे कैसे निपटना है उस पर चर्चा करेगी। मैं ये जानना चाहता कि छत्तीसगढ़ के सिस्टम इस पर क्या राय है आपकी, और दूसरा कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ये लड़ाई लड़ रही है तो ये क्या तारतम्य है सेंट्रल और स्टेट में इस वक्त पर, जबकि बहुत जरूरी है ऐसा होना। आर्थिक मामले में भी किसी प्रकार की कोई चर्चा भारत सरकार से नहीं हुई है। टास्क फोर्स बनाने की बात है तो हम लोगों ने भी हमारे एसीएस होम है उसकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई हुई है, और इस मामले में मैंने पहले ही कहा कि हम सभी विभागों से राय शुमारी कर रहे हैं, सबके राय मांगे हैं, और 12 तारीख इस मामले में हम लोग मीटिंग करेंगे, चर्चा करेंगे, और निश्चित रूप से इसमें सबसे जहां इससे इस बीमारी से संक्रमण से जहां जान के नुकसान हो ही रहा है, लोगों में दहशत तो है ही, लेकिन उसके बाद जो आर्थिक रूप से जो मार पड़ रही है वो जबरदस्त है, और इससे कब तक उबर पाएंगे ये कहना अभी कठिन। सर अगला सवाल जो है वो इंटर स्टेट ट्रांजिट को लेकर के, आपने कहा कि आपने जो है सारे 7 राज्यों की सीमाएं जो बंद कर दी, उसी से जुड़ा सवाल है कि हाउ डू यू मेंटेन योर सप्लाई चेन्स, कि आप जो है अपने सप्लाई चेन्स को कैसे ऑपरेट करेंगे अगर लॉकडाउन को आप बढ़ाने के उसमें ट्रांजिट को बंद करने के हाथ में है तो। देखिए बहुत सारे जो दैनंदिन उपयोग के जो सामान है उसके आपूर्ति तो हम कर रहे हैं जो हमारे राज्य में उपलब्ध संसाधन है उससे, और उससे जुड़े हुए जो उद्योग हैं उसको हमने खोला भी, किसानों के लिए भी रिलैक्सेशन दिया है, किसान जो वहाँ यदि खेती बाड़ी कर रहे हैं तो उसे रासायनिक खाद और दवाई की भी जरूरत है, उन दुकानों को भी हमने रिलैक्सेशन दिया हुआ है, उसी प्रकार से फ्लोर मिल है, दाल मिल है, इसको भी ओपन किया है ताकि किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, लेकिन एक निश्चित आदेश मतलब शर्त के साथ उनको अनुमति दी गई है, तो ये एक समस्या है। अब मान लो हम उद्योग शुरू करते हैं तो यहाँ के जो उत्पाद है वो दूसरे राज्यों में जाएगा तो वो स्थिति में कैसे होगा, ये एक विचारणीय प्रश्न है, इसी को भारत सरकार फैसला लेगी। जी सर अगला सवाल है वर्तमान है, वर्तमान अखबार से है संदीप, संदीप जी पूछे अपना सवाल। संदीप स्वर्णकार वर्तमान न्यूज़पेपर से जी। हाँ संदीप स्वर्णकार वर्तमान न्यूज़पेपर, ये वेस्ट बंगाल का लीडिंग न्यूज़पेपर है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बोला है कि और राहुल जी ने भी सलाह दिया था कि टेस्ट ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन आपने खुद अभी बोल रहा कि छत्तीसगढ़ में अभी तक सिर्फ 3,000 टेस्ट हुआ है, तो ऐसा कम क्यों है, और सेकेंड ये है कि आप अभी से क्या टेस्ट बढ़ाने के लिए घर घर जाके पूछेंगे और टेस्ट कराने के लिए सलाह देंगे, और थर्ड क्वेश्चन है इसी लॉकडाउन पीरियड में छत्तीसगढ़ में टोटल कितना फिनेंशियल लॉस आपको भुगतना पड़ रहा है। थैंक यू। देखिए पहली बात तो ये है कि ये जो किट है और पीपीई है वो भारत सरकार उपलब्ध करा रही थी और सीमित मात्रा में अभी भी उपलब्ध करा रही है, लेकिन अब हम लोगों ने फैसला किया है कि ये किट है और पीपीई है हम खरीदेंगे, उसकी व्यवस्था करेंगे और बड़ी मात्रा में फिर इसको टेस्ट करेंगे। यहाँ तक कितना इसमें फाइनेंशियल अभी तक लॉसेस होगा इसका अभी आकलन करना बड़ा कठिन है, क्योंकि सभी चाहे वो कृषि कार्य हो चाहे व्यवसाय हो चाहे उद्योग हो सब तो बंद पड़े हैं, कितना लॉस हुआ है ये अभी कह पाना कठिन होगा, लेकिन निश्चित रूप से इसका आकलन हम लोग कर रहे हैं और कुछ दिनों बाद बताने की स्थिति में होंगे हम कितने घाटे में। स्पर्श हैं
वो भी चले गए। अच्छा सर, एक साथी हमारा पूछना चाहते हैं दैनिक भास्कर से, मुकेश कौशिक जी हैं, उनका संबंध है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जो चिट्ठी लिखी नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को, और कल जो है उस पर प्रतिक्रिया आई है INS की। उन्होंने कहा है कि ये सजेशन जो है ये सही नहीं है और कांग्रेस को इस पर जो है दोबारा सोचना चाहिए, तो वो जानना चाहते हैं कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस बारे में। देखिए, INS ने अभी सुझाव दिया, लेकिन जब सांसदों के निधि में बंद किया गया उस समय उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उस समय प्रतिक्रिया देते ये सांसद निधि बंद करने से ये भी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, सांसद को दिया गया जो निधि है वो क्षेत्रों में विकास के काम के लिए दिया जाता है, इस माध्यम से लोगों से मुलाकात होती है, चर्चा होती है, उसकी समस्याएं सुनी जाती है, तो लोकतंत्र के प्रजातंत्र की एक कड़ी है जिसको बाधित किया गया। उस समय इस संगठन के द्वारा कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई और इस समय प्रतिक्रिया व्यक्त की, तो मैं तो पहले ये कहना चाहूंगा उस पर पहले प्रतिक्रिया व्यक्त कर ले। प्रधानमंत्री ने जो घोषणा किया, भारत सरकार ने जो घोषणा किया है उसमें प्रतिक्रिया व्यक्त करते और उसके बाद ये प्रतिक्रिया व्यक्त करते, तो मैं समझता हूँ कि ये सही में वो न्याय कर रहे हैं। और यदि किसी ने ऐसा कहा है तो बचत विषय के बारे में क्यों चर्चा नहीं की, और जो सुझाव उसके बारे में, बेहतर यह होता कि वो सुझाव देते कि आखिर ये जो आर्थिक स्थिति उत्पन्न हुई है तो इसके खर्चे कैसे कम किया जाए और इससे निपटा कैसे किया जाए और देश को पटरी में लाने के लिए सुझाव देते तो ज्यादा बेहतर होता। मेरे ख्याल से बाकी जो सवाल हैं उनके जवाब आपने दिए हैं आपने स्लो मोटो में। एक साथी पूछना चाह रहे थे कि मध्यम वर्ग के लिए आप विशेष क्या आयोजन कर रहे हैं, तो अगर कुछ इसके अलावा भी कुछ कहना चाहें जो आपने स्लो मोटो में कहा तो स्वागत होगा। देखिए, मध्यम वर्ग के लोग जी, मैं पूछना चाहूंगी। हाँ बताएं, जारी रखें मुख्यमंत्री जी। ये निश्चित रूप से मध्यम वर्ग के आय कैसे बरकरार रहे ये चिंतनीय विषय है, और इस वर्ग के अभी बहुत सारे राज्यों ने जो अपने अधिकारी कर्मचारी हैं उसकी सैलरी में कटौती कर दी है। कई राज्य अभी तो केवल उत्तर प्रदेश, भारत सरकार के साथ उत्तर प्रदेश ने भी ये कहा है कि हम विधायकों और मंत्रियों की सैलरी आधा करेंगे, और इसी प्रकार के अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं आ रही है। तो ये अभी देखना होगा कि किस प्रकार से स्थिति उत्पन्न हो रही है, अनेक राज्यों की आर्थिक स्थिति क्या है और उस पर राज्य सरकारें किस प्रकार से प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भी इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होगी, निश्चित रूप से अभी तत्काल का पाना कठिन है क्योंकि अभी तो जो जरूरतमंद है उसको संभालना सबसे ज्यादा जरूरी है और उसके बाद आर्थिक स्थिति के बारे में विचार कर पाएंगे, अभी तत्काल में तो कुछ नहीं कर सकते। अगला सवाल है, नियामिका सिंह पूछना चाहती है, नियामिका अपना सवाल पूछें। सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अभी आपने कहा कि छत्तीसगढ़ में जब रैंडमली लोगों की टेस्टिंग की गई तो जिन लोगों में सिम्टम्स देखने को नहीं मिले थे वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो जैसे राजस्थान में रैपिड टेस्टिंग किट्स जो है वो ऑर्डर कर दिए, ऐसा छत्तीसगढ़ ने भी कुछ प्लान किया है, और अगर सर इसके लिए आप क्या सेंटर की तरफ से कोई मदद मांगेंगे सर इकोनॉमिक वे में? हाँ, जितना दें अच्छी बात है, लेकिन हम लोगों ने अपने स्तर पर फैसला किया है कि इसको भी हमारे प्रदेश में भी उस प्रकार से रेंडम सैंपल लिया जाएगा और उसकी तैयारी हमारी शुरू हो चुकी है। मीनाक्षी पूछना चाहती है सनमार्ग से, मीनाक्षी अपना सवाल पूछें। सर, मैं सनमार्ग हिंदी डेली न्यूज़पेपर से हूँ, सनमार्ग 75 ईयर्स ओल्ड न्यूज़पेपर है। सर, मुख्यमंत्री साहब ने आपको लेटर लिखा है, ममता बनर्जी जी ने, उन हमारे बंगाल के जो लेबर्स है आपके वहाँ पे वर्क कर रहे हैं उनके देखभाल के लिए आपको रिक्वेस्ट की गई है, क्या आपने उन लेटर का जवाब दिया? या
अभी हमने सभी पत्र लिखे हैं, बहुत सारे मुख्यमंत्री ने मुझे पत्र लिखा और सभी मुख्यमंत्री को मैंने पत्र लिखा है, और बहुत लोगों से बात भी अनेक मुख्यमंत्रियों से मेरी बात हुई है और अनेक मुख्यमंत्री लोग उससे बात किए। जो हमारे प्रदेश की जो लेबर दूसरे प्रदेश में है उसे वो ध्यान रखें, और दूसरे प्रदेश के जो लोग यहाँ रहे हैं, चाहे वो लेबर हो, चाहे यात्री हो, चाहे किसी प्रकार से यहाँ लोग फंस गए हैं, उसकी पूरी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। उसके रहने खाने पीने के हमारे 10,000 लोग अभी हैं और 2100 कमरे की हमने व्यवस्था की है। उसके रहने के लिए मतलब चादर, साबुन, मग्गा, बाल्टी, भोजन, उसके इलाज सब की व्यवस्था हमने कर रखी। मैं खुद ही उस आश्रय सेंटर में जाकर उसका निरीक्षण किया है। सर आखिरी सवाल मुकेश पासी जी पूछ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, मैं फिर से अपना सवाल दोहरा रहा हूँ कि मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है कोविड के जागरूकता के लिए, ऐसे में मीडिया के लिए एडवर्टीजमेंट बंद करने की वकालत करना क्या उस मीडिया के लिए आघात नहीं होगा, उनके रिसोर्सेस पर आघात नहीं होगा? वो बिना एडवर्टीजमेंट के छप रहे हैं, ऐसे में कौन सपोर्ट करेगा उनको? मतलब मीडिया क्या केवल एड के भरोसे चलती है? एक बड़ी भूमिका है उसकी, जवाब दे दीजिए। सरकारी एड के भरोसे चलती है कि प्राइवेट एड भी मिलता है उसमें? ये भी जब आप विधायकों और सांसदों के निधि और उसके खर्चे में और अधिकारी कर्मचारियों के खर्चे में कटौती की जब बात हुई तो सारे मीडिया मौन थे। तो इस समय एक सुझाव हो सकता है कि भाई ठीक है, इतना परसेंट कम कर दीजिए, एकदम रिएक्ट करने, मतलब जब देश में संकट आया तो सबके लिए वो लागू होता है, तो उसमें आप ये सुझाव भी दे सकते हैं कि भाई ठीक है आप 100% दे रहे थे, उसमें 90% कर दीजिए, 80% कर दीजिए। यदि ऐसा यदि हो तो इसमें गलत क्या है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। मेरे ख्याल से हम एक छोटा छोटा लास्ट क्वेश्चन है, संदीप, संदीप फ्रॉम वर्तमान न्यूज़पेपर, डोंट क्रॉस, संदीप फ्रॉम वर्तमान न्यूज़पेपर, ये सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन है मेरे तरफ से। ये छत्तीसगढ़ में अभी तक हॉटस्पॉट का आपने कुछ लिस्ट बनाया या जरूरत नहीं है? हमारे यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि इस प्रकार से 11 टोटल केस हैं, जिसमें से एक राजनांदगांव जिले का है, एक दुर्ग जिले का है, एक बिलासपुर जिले का है, 2 कोरबा जिले का है और 4 रायपुर जिले के। तो ऐसा हॉटस्पॉट बना नहीं है जिसमें बड़ी संख्या में लोग हों, वहाँ बनाने का आवश्यकता है। लेकिन जहाँ मिल रहा है उसको हम लोग टोटली लॉकडाउन कर रहे हैं। जैसे कल हमको कोरबा जिले में एक मिला, तो पूरे उस एरिया को हमने लॉकडाउन कर दिया है और पूरे ब्लॉक को लॉकडाउन कर दिया, एक एक घर में जाके उसकी केस हिस्ट्री हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। आपका सलाह जी, 14 के बाद भी यही करना चाहिए, आपका सलाह? देखिए, ये जहाँ जहाँ इस प्रकार की स्थिति, मेरे यहाँ तो स्थिति उस प्रकार की नहीं है, मैं इसीलिए 12 तारीख को सभी मंत्रियों और अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करूंगा, उसमें फैसला लूंगा। थैंक यू वेरी मच सर। आप सीएम सर, सिद्धार्थ बोल रहा हूँ एएनआई से। सर आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही जिसपे अभी हमारी कि जिन लोगों में सिम्टम्स नहीं है वो भी कैरियर हो सकते हैं, तो क्या ये बात आपने केंद्र सरकार तक या स्वास्थ्य मंत्रालय तक ये बात, ये फाइंडिंग जो है पहुंचाई है? हाँ हाँ, जो बिलासपुर में केस मिला 2 महीने पहले का, विदेश यात्रा से वो करके विदेश यात्रा से लौटे थे और उसके बाद जब वो पॉजिटिव मिला तो ये पूरे केस हमें तत्काल भेजा, और इसी कारण से ये जो जो 14 दिन जो क्वारंटाइन में रखने की बात थी वो 28 दिन करने के जो फैसला हुआ वो इसी कारण से हुआ। हमने केस भेजा था कि कोई सिम्टम नहीं है, उसके बाद भी ये पॉजिटिव, और 14 दिन की नहीं, ये तो 2 महीने। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सवालों का जवाब देने के लिए और हमारे साथ उपस्थित होने के लिए। थैंक यू सर, धन्यवाद, नमस्कार।
थैंक यू सर, नमस्कार, नमस्कार सर, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग। चलिए रुक करते हैं अगली खबर।